नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज हम लौट आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो आज की वीडियो है वो है ग्रूमिंग के ऊपर, ग्रूमिंग फॉर मेंस, कि हम अपने आप को कैसे अच्छा दिखाएं, कैसे जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है, मीन्स कि जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है, उसको कैसे अट्रैक्टिव रखें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो का जो फर्स्ट पॉइंट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो है हमारी नींद, कि हम 24 घंटे में अपनी नींद को कितने टाइम लेते हैं। सो मैक्सिमम हमें रात में कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी है। इसका रीज़न ये है कि जितना हम सोएंगे, अपने बॉडी को रेस्ट देंगे, उससे क्या है कि जो हमारी स्किन है वो काफ़ी फ्रेश और एनर्जेटिक लगेगी, और जिससे हम एक्टिव काफ़ी लगेंगे, और जो सामने वाले पे इंप्रेशन है काफ़ी अच्छा रहेगा। जो हमारी एज है यंगस्टर की, आज के टाइम में स्मार्टफोन इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि हम इसको दिन रात हर वक्त चलाते हैं। तो कोशिश करें कि रात को हम 10 बजे सो जाएं और 10 बजे से लेकर सुबह कम से कम मैक्सिमम 7 या 8 बजे तक अपनी जो नींद लें। इससे क्या है कि जो हमारी स्किन ना काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी, फ्रेश लगेगी और एनर्जेटिक लगेगी, सामने वाले पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ पाएगा। सो इससे हम फिट भी रहेंगे, जो हमारी बॉडी उसको काफ़ी रिलैक्स रहेगा। तो आज के टाइम में क्या है कि हम 12 बजे सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं जिम जाने के लिए, बट इसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, कि जब तक हमारा शरीर प्रॉपर फिट नहीं होगा हमें जिम करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। सो टिप नंबर 1, अपनी नींद को प्रॉपर लें। अब सो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डाइट। काफ़ी लोग जो डाइट को काफ़ी अवॉइड करते हैं, बट डोंट अवॉइड द डाइट। हमें अपनी डाइट में कम से कम जितना हो सके हेल्थी फूड खाना चाहिए। अवॉइड करो जंक फूड को, पिज़्ज़ा एंड बर्गर। इससे क्या है कि जो आपकी स्किन है वो काफ़ी डल लेजी टाइप लगेगी, और एचएस आने का भी डर रहता है ना, मुंह पे जो मुहासे टाइप हो जाते हैं वो बिल्कुल बैड इंप्रेशन डालते हैं। तो कोशिश करें कि आप हेल्थी फूड खाएँ, हेल्थी फूड लाइक आप अगर वेजिटेरियन हो तो सुबह आप जब उठते हैं तो पहले एक एप्पल खाएँ। एप्पल खाने से पहले आप अपने आप को 4 ग्लास वार्म वाटर का पिए। इससे क्या है कि आपकी जो बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है और काफ़ी अच्छा फील रहता है। उसके बाद जो एप्पल खाने से जो हमारे काफ़ी फेस पे जो काफ़ी अच्छी ग्लो आती है, और एप्पल खाएं एंड चिकन भी आप खा सकते हैं फॉर अ प्रोटीन, कि वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम करके लें। इससे क्या है कि आपके शरीर को अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे और काफ़ी आप एक्टिव नज़र आएंगे। सो टिप नंबर 3, अब जो टिप नंबर 3 है एक्सरसाइज। हम अपने दिन में जो एक्सरसाइज है उसको अवॉइड करते हैं। एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिन में एटलीस्ट हमें आधा घंटा तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, और प्लीज़ जिम को जरूर जाएं, जिम को मत अवॉइड करें। जिम से क्या है कि जो आपका फैट है वो काफ़ी रिमूव होता है, जो आपकी बॉडी एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर शेप में रहती है। आप योगा भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, हम रनिंग भी कर सकते हैं, बट डे में जरूर कोई तो कोई एक्सरसाइज करें, और जितना हो कोशिश करें कि आप इसको मॉर्निंग में करें, जिससे क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो काफ़ी एक्टिव रहती है और एनर्जेटिक रहती है। ओके, सो डोंट अवॉइड द एक्सरसाइज। सो जितनी हो सके हम एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट मैक्सिमम आधा घंटा या घंटा तो हमें करना ही चाहिए एक्सरसाइज, ठीक है। उसके साथ हेल्थी फूड लें। ये जो बातें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये बातें वैसे तो काफ़ी कॉमन है, बट ये कॉमन है नहीं, ये हमारी लाइफ स्केड्यूल में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, टिप नंबर 4, जो टिप नंबर 4 है वो है हमारे हेयर्स पे। आजकल क्या चल रहा है कि सभी लोग अपने बालों के जो ये साइड्स हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रिम करवा लेते हैं। सीरियसली ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जितने आपका फेस है आप अपने फेस के अकॉर्डिंग बालों को एक प्रॉपर स्टाइल दिए। आप अपने बार्बर के पास जाइए, उसको कहिए कि जो मेरा फेस है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर हेयर सेट कर दे। जैसे मेरे बाल देख सकते हैं, जैसे इसमें पफी है और इसमें मैंने काफ़ी इसकी लेंथ बढ़ाई हुई है, जिससे क्या है कि जो मेरा फेस है एक मैच्योर लगता है, एक एक्टिव लुक लगता है। तो प्लीज़ अपने जो हेयर है इसको प्रॉपर सेट करें, एटलीस्ट वीक में ऑयल मसाज जरूर करें, जिससे क्या है आपकी स्कल है वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है और काफ़ी हेल्थी रखती है। ओके, सो जितना हो सके अवॉइड करें आप जेल एंड स्प्रे को। कोशिश करें जितना नेचुरल ऑयल यूज़ करते हैं उतना ही करें। सो अपने बालों की अच्छे से केयर करें। एंड टिप नंबर 5, जो टिप नंबर 5 है ड्रेसिंग सेंस। मैं नेक्स्ट वीडियो में ड्रेसिंग सेंस की एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इसको एक आपको एक पार्ट की तरह ले रहा हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो जो आपकी ड्रेसेस है, कोशिश करें कि अगर हेल्थी हैं तो, अगर ठीक भी हैं तो फिर भी फॉर्मल ड्रेस का
यूज़ करें, क्योंकि फॉर्मल ड्रेस हम जितनी वेयर करते हैं उतनी हम वेल पर्सनैलिटेड, वेल एजुकेटेड, इंटेलिजेंट लगते हैं। उससे क्या जो सामने वाले पे इंप्रेशन है हमारा काफ़ी अच्छा पड़ता है। फॉर्मल एक जैसे मैंने शर्ट वेयर करी है तो ये देख सकते हैं वो काफ़ी जेंटल आपको लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं चाहता हूँ मुझे आपकी सपोर्ट मिले ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और लिखें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे ऊपर देखना चाहते हैं, जिसको मैं बड़े ही इजी तरीके के साथ आपके सामने लाऊंगा। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जो अपनी ड्रेसिंग सेंस है उसको फॉर्मल रखें। अगर आप स्किनी हैं तो कोशिश करें कि आप थोड़े से फिट कपड़े पाए, ज़्यादा लूज मत डालें, उसको नॉर्मल अपने स्किन से हल्के से लूज रखें कि जिससे क्या कि आप दिखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। बट कोशिश करें कि जींस को थोड़ा अवॉइड करके आप फॉर्मल की तरफ जाएं, क्योंकि फॉर्मल से जो है कि हमारा इंप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा लगता है। फॉर्मल ड्रेस काफ़ी प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देती है और एक जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें काफ़ी प्लस पॉइंट डालती है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि जब आप किसी से बात करें अपना आई कॉन्टैक्ट है उसको अच्छे से रखें, आप जितना हो सके सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, इससे जो आपका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी मैं दोबारा फिर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो और कमेंट करो, और मुझे जो साइड में इंस्टाग्राम मैंने दे रखा है वहाँ पे मुझे जाके फॉलो जरूर करो। मेरे अभी फॉलोअर्स काफ़ी कम हैं, आपका जितना मुझे सपोर्ट रहेगा मैं अच्छे से अच्छा और कंटेंट लाता रहूँगा। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं जल्द।